तो ये जो है अब ये देना किसको है, तो देखिए इसका एक सबसे अच्छा जो है इसको कहते हैं इब्ने बाजा की रिवायत है हदीस नंबर 1494, इसके माल अगर तुम खर्च करते हो तो तुम क्या करो कि अगर तुम माल खर्च करते हो तो किसी गरीब को देते हो तो एक नेकी मिलती है, एक तरह एक सवाब मिलता है, लेकिन अगर तुम रिश्तेदार गरीब को देते हो तो दोहरा अजर मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अपने रिश्तेदार कौन है, आप उस पर खर्च करें, फिर पड़ोसी, उसके बाद फिर मोहल्ले, और अपने शहर के अंदर हम खर्च करें। ये नहीं कि यहाँ पर तो बाकी हैं और हम देखें तो बाहर भेज रहा है कोई, बाहर उसके अंदर डाले, हाँ आपको लगता है कि वहाँ देना चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले अपने शहर के अंदर उसको तलाश करें तो उसको वहाँ पर खर्च करें। और इसी तरह जो है जकात किसको दे, तो उसके लिए जो है किसको दी जाए, अब इतना सारा हमने सुन लिया कि जकात तो कुरान में ही अल्लाह ने फरमाया, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाता है कि जकात तो फ़कीरों के लिए, एक फ़कीरों के लिए, फिर मिस्कीनों के लिए, फ़कीर और मिस्कीन में फ़र्क होता है, गरीब और एक मांगने वाले सवाल करने वाले जो है फ़कीर होते हैं, और मिस्कीन जो गरीब होते हैं, ढूंढ कर आपको देना पड़ेगा, आपसे मांगने नहीं आएंगे मिस्किन वो। इस तरह दीनी इदारे जो चलाते हैं यानी जो जकात जमा करने वाले उसके सिस्टम चलाने के लिए, या वो जो चैनलाइज करते हैं सही लोगों तक आपका जो काम पहुंचाते हैं उनके लिए। इसी तरह चौथा, जिनका दिल इस्लाम की तरफ मगलूब होना होता है यानी कि वो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, इनका दिल मुतमईन है, तो गैर मुस्लिम भी है तो उसको दी जा सकती है, उलमा के ताल्लुक से रखते हैं, गैर मुस्लिम भी लेकिन इस्लाम से मुतासिर है तो उसको भी दी जा सकती है। इस तरह पाँचवा, जो ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए या फिर कैदी, कैदियों को छुड़ाने के लिए जो बिला वजह जिनको डाल दिया गया उसमें भी जकात का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कर्जदारों की मदद करने के लिए, छठा कर्जदारों की मदद करने के लिए, यदि इंसान पर कर्जा हो गया तो आप जकात से उसका कर्जा उतार दें ताकि वो उसकी आने वाली ज़िंदगी सही से गुजार सके। इसी तरह सातवा क्या है, अल्लाह की राह में खर्च, अब इसमें बहुत सारे जो है तरीके हैं उसमें जो खर्च करने के वो खर्च कर सकते हैं, दाई है उस पर आप खर्च करें कि अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको खर्च किया जा सकता है अल्लाह की राह में। इस तरह जो आठवीं चीज़ होती है मुसाफिर के लिए, कि मुसाफिर के पास में खाने को नहीं है, उसकी जेब कट गई, पैसा नहीं है, किसी ने लूट लिया उसके पास में नहीं, जाने के लिए पैसा नहीं, तो उसके लिए भी आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो और फिर अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है, अल्लाह की तरफ से ये मुकर्रर कर दिया गया, तो इसको जो है खर्च किया जा सकता है। तो जकात से दुनिया के अंदर जो मुफलिसी खत्म की जा सकती है, जकात से दुनिया के अंदर मुफलिसी खत्म की जा सकती है। जकात अच्छी सिफातें इंसान के अंदर पैदा करती है, जकात देने वालों को अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करता है, जकात इंसान के नफ्स को पाक करती है, जकात इंसान के माल को पाक करती है, और जकात माल में इजाफा करती है, और जकात से माल में बरकत आती है, और ये तमाम के तमाम फरीज अदा करने वाला करता है इंसान, तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाती है।